साल 1981 को सूचना क्रांति की शुरुआत का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी साल शुरुआत हुई दुनिया की जानी मानी कंपनी इंफोसिस की। 2 जुलाई को नारायण मूर्ति ने अपने 6 साथियों के साथ पुणे में इंफोसिस की शुरुआत की। आज पूरी दुनिया में इंफोसिस को लोग जानते हैं और अब इंफोसिस भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी साल फिल्मी दुनिया में एक ऐसे परिवार की बेटी की एंट्री हुई जिसे पूरा देश बहुत प्यार करता है। ये परिवार था सुनील दत्त और नरगिस का। संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म रॉकी के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन ये साल उनके लिए खुशी से ज्यादा गम लेकर आया, क्योंकि इसी साल संजय दत्त ने अपनी माँ नरगिस को खो दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह टूट चुके थे। उनकी माँ की मौत उनकी पहली फिल्म के रिलीज के महज कुछ दिन पहले ही हो गई थी। इस साल भारत को एक बहुत बड़ी त्रासदी से भी गुजरना पड़ा था, जब कर्नाटक में जहरीली शराब पीने से 308 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना बैंगलोर में हुई, जहां पर बैंगलोर कैंटोनमेंट इलाके में लोगों ने सस्ती शराब के लालच में जहरीली शराब पी ली थी।